अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। गोपालपुरम पुलिस ने एक शातिर चीटर को गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गोपालपुरम पुलिस ने एक शातिर चीटर को गिरफ्तार किया। ये एक ऑफिसर बताकर होटल में फ्री रहता था। इसके ऊपर कई स्टेट में केस दर्ज है। पुलिस को जब पितला मिली तो पुलिस ने जाल बिछाकर इसको गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 18.94 ग्राम गोल्ड, 25,000 रुपए नकद रकम और एक स्मार्टफोन बरामद किया। बी सुमति, डीसीपी नॉर्थ जोन, मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद इमरान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के अंदर बसेरा होटल में एक हाईटेक चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ। इस हिसाब से वो आदमी जो चीटिंग किया, आज सुबह वो 9 बजे पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद के नज़दीक पे अरेस्ट हुआ। उसके बाद पूछे तो बोला कि जो बसेरा के अंदर चीटिंग केस हुआ, अटेंशन डाइवर्शन, वही करा बोल के उसका नामा पूछा तो वो बोला कि उसका नाम है सरतक राव बाबरास अलियास अख्तर, सन ऑफ बसंत राव बाबरास, नेटिव ऑफ पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसका पूरा नेशनल लेवल फ्लैश किया तो हमें मालूम हुआ कि उसके ऊपर केसेस लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अब चेन्नई, अभी हैदराबाद में भी केस नमोद हुआ। ये बड़ा सा होटल्स पे चीटिंग करता, इजी लाइफ को ये चुना, होटल को जाता और नेवी ऑफिसर बोल के होटल में स्टे करता। स्टे करने के बाद बगैर बिल पे करके वो चला जाता टूरिस्ट के हिसाब से, एंड 30-40,000 और 50,000 समटाइम 70,000 बिल्स भी चलाता होटल पे रहने के वास्ते, और एंजॉय करता होटल पे, पूरा बिल लगाता और एक बैग को छोड़ के एक बैग को लेके जाता टूरिस्ट के हिसाब से। अभी हैदराबाद में जो केस हुआ फोर्थ, वो बसेरा होटल में आया, चेक इन किया। चेक इन करने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अमरसन पर्ल्स का नंबर देख के उसको कॉल करके उसको कुछ ज्वेलरी मंगाया वो व्हाट्सएप पे। जो ज्वेलरी वो बोला कि हमें ये पसंद आया, आप सेल्समैन के साथ भिजाओ बोल के। सेल्समैन जो ये पसंद किया उसको लेके आया। लेके आने के बाद वो सेल्समैन को डाइवर्ट करके उसको जूस दे के वो दे के वो जो ज्वेलरी वो लाया उसके बैग में रख के वो एटीएम से पैसे लाने के वास्ते गायब हो गया। उसके बाद हम आज सुबह उसको अरेस्ट किया, एंड अभी आई थिंक देर आर मोर देन 10-20 केसेस अगेंस्ट हिम थ्रू आउट द कंट्री। अभी केसेस जो चालू है रेप एंड किडनैप के लिए पोर्ट ब्लेयर में अभी है केस, और चेन्नई में भी केसेस है। बेल पे बाहर आके फिर से चेन्नई में और हैदराबाद में ऐसा केसेस करने के लिए खराब, एंड हमारा ये सूचन है पूरे 5-स्टार होटल्स के लोगों को, कहाँ फ्रॉड हो रही है कि आप आधार कार्ड तो ले रहे कॉपी का, अगर आप नहीं देख रहे कि जो आदमी आया, जो आदमी का चेहरा आधार कार्ड के ऊपर है वो एक ही है कि नहीं, वो देखना पड़ता ज़रूरी। एंड नेक्स्ट, प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन हु स्टेज इन द होटल, वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, कोई भी हो, उसका आइडेंटिटी प्रूफ 100% आप लेना होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीटिंग होते, चीटिंग तो होटल का हो गया और कुछ उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी का नुकसान भी हो सकता है। इसी हिसाब से हमारा सूचना है कि स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स हैव टू बी टेकन अप एट द होटल्स फॉर द एंट्री ऑफ यूर ओन पीपल। इसमें जेन्युइन कस्टमर्स चीटिंग हो रहा है, ये फॉल्स कस्टमर्स के वजह से जेन्युइन कस्टमर्स और होटलों का और सिटी का नाम हमें अच्छा करना है तो ऐसे लोगों को होटल में ही स्क्रीन करना होगा और पुलिस को इन्फॉर्म करने का कुछ तरीका होगा। ऐसा वर्क करने के गोपालपुरम पुलिस ने आज इसके साथ 15 ग्राम्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स, नेट कैश 25,000 और उसके साथ एक स्मार्टफोन भी रिकवरी किया। और बाद का केसेस जो इसके ऊपर वारंट्स है चेन्नई में, पोर्ट ब्लेयर में, हम इंटीमेट कर चुके हैं, और आइंदा ऐसा होने का आवर अपील इज दैट टेक केयर ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स इन द होटल्स। अच्छा काम हुआ इसका, भी सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।